नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 21. कह रहे हैं हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500 आर मल्टीपल्स ऑफ 7. अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो जिस चीज का भी मल्टीपल होता है उसी को डी पुट कर देते हैं बच्चों. तो डी इज इक्वल टू यहां पर 7 हो गया. हाउ मैनी नंबर्स पूछ रहे बच्चों, नेचुरल नंबर्स पूछ रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ये हमसे एन जानना चाह रहे हैं, एन की वैल्यू कितनी है उन नंबर्स की जो मल्टीपल हैं 300 और 500. बिटवीन वर्ड यूज हुआ है यानी 300 और 500 इंक्लूडेड नहीं होंगे. 300 एंड 500 मल्टीपल्स भी नहीं है 7 के. बात समझ में? तो सबसे पहला नंबर कौन होगा, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होगा उसका पहला मेंबर कौन होगा, इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको निकालेंगे हम 300 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, 7 चौक 28, यहां पर बचा 2, 0, 7 टू द 14, 6 बचा. अगर यहां पर 7 बचता, 7 तो बचता ही नहीं, तो एक अगर और जोड़ देते तो कुछ भी नहीं बचता. बात समझ में? तो इसका मतलब पहला मेंबर कौन है हमारा, पहला मेंबर है 301. दूसरा मेंबर कौन हो जाएगा, 308, क्योंकि 7 का मल्टीपल है. तो 300 से ज्यादा हो गया तो बिटवीन आ गया. आखिरी मेंबर कौन होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो 500 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. 7 सत्ते 49, 10, 7 वनजा 7, यहां पर 3, 3 माइनस अगर इसमें से कर दें 500 में से, लास्ट मेंबर मिलेगा हमको जो मल्टीपल होगा किसका, 7 का. तो 3 माइनस करने पर बच्चों क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगी 497. 500 से कम है और 7 का मल्टीपल है. क्या बात, क्लियर? ओके, तो ये पहली टर्म है, दिस इज ए. यहां से यहां तक डी कितना हो चुका है, 7 हो चुका है. ये लास्ट टर्म है, दिस इज एल. हमको ये निकालना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी टर्म आई. बहुत ही सिंपल, कास्ट कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी. ए एन क्या गिवन है, हमने अभी निकाला है एल, एक्चुअली इट इज एल. 497 इज इक्वल टू ए इज 301 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, यहां पर लगा देंगे हम 7. क्या बात, क्लियर? एन माइनस 1 इंटू 7 दैट इज 7 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 497 माइनस 301. 301 घटा देते तो बेसिकली 197 बचता, तो 196 रह जाएगा. ओके, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 196 अपॉन 7. 7 टू द 14, 7 फाइव जा 7 8 जा 56, 28 आ गया. एन किसके बराबर हो जाएगा, 1 उछाल के उधर, तो 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29. तो टोटल नंबर कितने हैं, 29 टर्म्स हैं. 29 आंसर है, यस आंसर है. तो 300 और 500 के बीच में 7 के मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 29 आ रहे हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल वाले. ओके.